आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार्तिक महीने का क्या महत्व है, कब से कब तक कार्तिक महीना रहेगा, क्या कर सकते हैं हम कार्तिक महीने में अपने जीवन को सुखी करने के लिए। तो अगर आप वित्तीय समस्या से ग्रस्त हैं, अगर आप महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप धन प्राप्ति साधना करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने से ज़्यादा शक्तिशाली कोई और महीना नहीं है। 2021 में 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कार्तिक महीना रहेगा। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कार्तिक महीना धन प्राप्ति साधना हेतु उत्तम माना जाता है, और जो भी साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस महीने में पूजा करते हैं, उन्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। जिन लोगों को कार्तिक महीने की महत्ता मालूम है, वो एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। कार्तिक महीने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी महीने में धनतेरस, करवा चौथ, दिवाली और अन्य मुख्य त्यौहार आते हैं। अतः हमें उचित माहौल और समय मिलता है जब हम विशेष साधनाओं द्वारा अपने जीवन को धन और धान्य से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए और अधिक जान लेते हैं कार्तिक महीने के स्नान के बारे में। भारतीय वैदिक शास्त्रों के हिसाब से कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरे कार्तिक मास में कोई रोज ब्रह्म मुहूर्त में अगर पवित्र नदी में स्नान करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र नदियों में गंगा, नर्मदा, शिप्रा आदि का बहुत महत्व है। सुख समृद्धि हेतु कार्तिक स्नान बहुत मान्य रखता है। कार्तिक महीने में राधा कृष्ण की पूजा तुलसी के साथ की जाती है। रोज स्नान के पश्चात भक्त बहुत आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, अगर इस महीने में श्रद्धा और विश्वास से पूजन करें। इस महीने में दान का भी बहुत अधिक महत्व है। अतः अगर आप सक्षम हैं, तो जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को दिल खोल करके आप दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं और उसका पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कार्तिक पूनम का क्या महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ था। अतः पूरे भारत में कार्तिक पूनम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चंद्रमा अपने पूरे आभा में प्रकाशित होता है, जिससे साधना का महत्व भी बढ़ जाता है। इस दिन लोग बड़ी तादाद में पूजा पाठ, टोटके आदि करते हैं, जीवन में से बाधाओं को दूर करने के लिए। ২০২১ में 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र और शक्तिशाली दिन हमें मिलने वाला है। आइए अब जान लेते हैं क्या कर सकते हैं कार्तिक महीने में सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रातःकाल नहाने के समय अगर हम नदी में न जा पाएं तो कोई बात नहीं, बस नहाने के समय श्रद्धा से समस्त पवित्र नदियों का, तीर्थों का स्मरण जरूर करें, उन्हें प्रणाम करें, तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। स्नान के बाद साफ और व्यवस्थित कपड़े धारण करें, स्थिर आसन पर बैठें पूजा कक्ष में अपने। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें थोड़ी देर। आप चाहें तो भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र यथाशक्ति जप सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महीने में अशोक पेड़ की पूजा भी बहुत फलदायी होती है धन प्राप्ति के लिए।
अगर कोई धन के परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान है तो उन्हें पूरे कार्तिक मास में श्री सुक्तम का पाठ या फिर लक्ष्मी सुक्तम का पाठ रोज करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम को। अगर आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीम बीज का जप सुबह और शाम को करना आपके लिए बहुत ही आसान और शक्तिशाली उपाय होगा। रोज प्रातः और शाम को दीपक में लौंग डाल के जलाएं और फिर श्री सुक्त का पाठ करें। इससे भी धन प्राप्ति के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। एक तुलसी का पौधा लगाएं और भक्ति से उनकी सेवा करें। इससे सुख समृद्धि आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रवेश करेगी। तुलसी का पौधा आप दूसरों को उपहार में भी दे सकते हैं कार्तिक मास में। एक विशेष मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सतत जब आप कर सकते हैं, इससे आपको सम्मोहन शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रवेश करते चले जाएंगे। कुछ अच्छे ज्योतिष को आप पत्रिका भी दिखा सकते हैं और फिर अपने कुंडली के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार दान धर्म कर सकते हैं ग्रह बाधाओं से मुक्ति के लिए भी। कार्तिक महीने में सिद्ध व्यापार यंत्र को भी आप स्थापित कर सकते हैं सिद्ध करवा के व्यापार वृद्धि के लिए। व्यापारिक स्थल में और घर में आप श्री यंत्र भी सिद्ध करवा के पारद का वो भी अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, स्थापित कर सकते हैं। इससे वास्तु दोष भी हटता है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी हटती हैं। अगर पूरे महीने घर के दरवाजे के दोनों तरफ चावल के आटे और हल्दी को मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाए और लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो भी धन प्राप्ति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अगर आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा हो तो ऐसे में भगवान कृष्ण का बंसी बजाता हुआ फोटो जिसमें पीछे गायें चर रही हों खरीद लीजिए और शुभ मुहूर्त में उसे विधिवत पूजन करके दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर साइड में लगा दीजिए तो भी आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्तिक महीने में आप शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत भोजन ना करें, स्त्रियों बुजुर्गों का आदर करें। इससे भी आपको बहुत अच्छे बदलाव अपने जीवन में महसूस होंगे। तो इस प्रकार कार्तिक महीना बहुत ही खास है सभी लोगों के लिए। जो लोग धन संबंधी परेशानियों से ग्रस्त हैं, जो लोग काफी संघर्षपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, जो अपने बाधित मार्ग को खोलना चाहते हैं, बंधन दोष से छुटकारा चाहते हैं, वो सभी लोग इस कार्तिक महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं 21 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कार्तिक महीने की पूरी जानकारी पता चल गई होगी और क्या कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।